सफलता कहीं से भी मिल सकती है, चाहे घर हो या दुनिया के कोई कोना में। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग गांव में, क्योंकि हम लोग स्कूल जाते थे और मेरे साथ जो सचिन सब जो था ना वो स्कूल नहीं जाता था, डायरेक्ट शशिकांत सर भी आ जाता था। और तो उन लोग बोलता था कि शशिकांत सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं। और मेरी बहन भी आई थी ना तो वो शशिकांत सर भी आई थी, लेकिन जानवे करते हैं कि शशिकांत सर से तो आधा स्टूडेंट डर भी भाग जाते हैं। और खास करके तो लगे तो मेरी बहन भी आई थी तो शेक्सपियर में चली गई थी। तो फिर भी हमने सोचा ना कि चलो भाई देखते हैं, मेरी बहन दो बहन है हमसे, दो भाई बहन है तो फिर यहाँ पाती थी। तो फिर हमने भी शशिकांत सर से आए एडमिशन लिया, सचिन जोड़े आए थे उसी समय 4 सितंबर को यहाँ एडमिशन लिया था। तो सर को यहाँ जो पढ़ाने का जो एक्शन था ना वो काफी, वो एक्शन से काफी हम प्रभावित थे। तो धीरे धीरे पीछे बैठे तो उधर तो हमको भी डर लगता था, क्योंकि सबको गिरा दिया था ना कि शशिकांत सर से प्रकृति का नियम है कि टीचर का ध्यान आपके ऊपर जरूर अट्रैक्टिव होगा, टीचर अपने जब आपको अट्रैक्टिव करना चाहेंगे, क्योंकि टीचर को हर बच्चा हर नजर में सेम है, लेकिन कुछ कुछ बच्चा वैसे होते हैं जिसके प्रति काफी ध्यान चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा के मेहनत पे डिपेंड करता है। तो हम भी यहाँ पे परीक्षा दिए थे तो कुछ में कभी फर्स्ट मिलता था और प्राइज मिला ना, तो उससे हम काफी मोटिवेट हुए और हम सर को बोलेंगे कि चाहे 1 रुपया का प्राइज हुआ 2 रुपया के हर परीक्षा में दिया जाए, क्योंकि प्राइज से ही बच्चा मोटिवेट होता है। अगर वो पैसा हमको डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता ना तो 93 तक नहीं, क्योंकि वो पटना जाना था ना ओलम्पियाड में, डिस्ट्रिक्ट से चुना कर गए थे तो उसमें था कि फर्स्ट वाला कोई वो स्कूटी दिया जाएगा। हम भी सोचते थे कि मिलेगा तो कोई के नहीं बैठाएंगे। कुछ यहाँ पे भी आया तो सर फिर 12th में जो पढ़ा था ना 12th में, सर जो 12th पढ़ाते हैं ना, सर 12th का कुछ नहीं कीजिए इंग्लिश का, जो इंग्लिश जो क्वेश्चन लिखाएंगे ना सर पहले ही एक पेज एक दो पन्ना देते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होता ना क्वेश्चन आंसर का तो जो क्वेश्चन लिखाएंगे उसी क्वेश्चन का एक फेयर कॉपी हम करते थे और कुछ नहीं पढ़ते थे, डायरेक्ट जाकर वही फेयर कॉपी के एकदम 2 लाइन बाय लाइन हिंदी करवाते थे और उसी फेयर कॉपी को डायरेक्ट जाकर घरे पढ़ते थे, प्रतिदिन पढ़ते थे। खास मैं यहाँ पे जो भोजपुरी इलेक्ट्रॉनिक है इसी में हम रूम लेकर रहते थे, मेरा घर मेरा गोपो जो पढ़ता है 8-9 किलोमीटर आगे, रोज भी इधर खराब आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। और मैं था और मेरी बहन भी थी, तो सोचा कि चलो भाई यहाँ पे रहते हैं, शशिकांत सर के बगल में थे यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम होता था हमेशा सर से आके मिलते रहते थे। हैबिट था थोड़ा सा बच्चों की, बहुत क्लास इनको देते थे छोटा छोटा बच्चों को पढ़ाने के, हम अपने गायब रहते थे लेकिन इन्होंने पढ़ाया तो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, 8th क्लास के 9th क्लास के क्लास भी ले लेते थे कभी। तो ग्रामर टॉपिक खास करके प्रैक्टिस का चीज होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। और उन्होंने बताया किस तरह से संघर्ष किया जीवन में, संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुंचे, तो बेस रहेगा तभी आगे बढ़ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि जिन्होंने अपने बारे में पूरा रविरंजन सेकंड पर 92 लाए हैं हमारे इधर क्षेत्र के। Thank you.
राज अमृत। आपके लगा हुआ अमीषा कुमारी और सोनम कुमारी के ही ये भाई है, जान लीजिए सोनम और अमीषा कुमारी के ही भाई है। 432 और 420 जो लाए हैं, और थोड़ा सा पता नहीं किस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया और 424 इनका मैट्रिक भी था, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई इसलिए आ भी नहीं रहे थोड़ा सा इस थोड़ा, लेकिन 84 लाए इंग्लिश में और इनका टारगेट था कि 90 प्लस करेंगे। जान ही रहे बिहार बोर्ड का क्या स्थिति है। कोई बात नहीं, आगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे अब अभी लक्ष्य आपका बचा हुआ, अभी तो जीवन में कुछ बनने का लक्ष्य है, तो मैट्रिक और टारगेट तो था मेरा 450 का, लेकिन लास्ट में कुछ प्रैक्टिस नहीं किए थे इसके वजह से मेरा गड़बड़ हो गया। और आगे उम्मीद रखिए अपना जॉब की तैयारी में अच्छा करेंगे। और अभी टारगेट में ये लोग ही थे 95 क्रॉस करने वाला, लेकिन क्या हुआ ये बताएंगे कुछ ये लोग का, तो सब बताओ अपना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मोनिका कुमारी, आई बिलोंग टू किंगर। सबसे पहले मैं तो सॉरी करती हूँ सर के कि जो उनका टारगेट था वो मैं पूरा नहीं कर पाई। क्या कमी रह गया उसको, उन लोग को बोलो कि तुम लोग करना इसका पूरा करना सर का जो सपना। हम तो नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जरूर कर पाएंगे। राजू कुमार और शिवम और कौन कौन आए हैं अभी, आइए शिवम आएगा सर। और आप